एंग्जाइटी के 6 लक्षण कौन से हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति जगह हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई अकोला पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखो एंग्जाइटी काफी लोगों को आते रहती है, कोई टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, कोई चिंता है तो लोग एकदम एंग्जाइटी एंग्शियस हो जाते हैं और उसमें फिर हाथ कांपना, पसीना आना, पेट में ऐसा गोला उठ जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद नहीं आना, ऐसा होता रहता है एंग्जाइटी में। कोई स्ट्रेस से होता है, कोई सामने कोई एकदम कोई बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया या कोई कुछ पूछ लेगा, कोई अथॉरिटी सामने खड़ी है या कोई बड़ा प्रश्न है तो उसमें फिर एंग्जाइटी आती रहती है। इसके अलावा ऐसे कौन से 6 लक्षण हैं कि जो यदि है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मुझे एंग्जाइटी है। तो नंबर 1, आपको यदि क्रॉनिक हेडेक है तो, मतलब पुराना हेडेक है तो, देखो सरदर्द और माइग्रेन के अटैक यदि आते रहते हैं तो आप समझ जाना कि यह एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो सकते हैं, समझ सकते हैं आप। देखो हेडेक जो है, सरदर्द या माइग्रेन, यदि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एंटी एंग्जाइटी ड्रग आप लेते हैं तो आपको जरूर फायदा हो जाएगा। रिसर्च ऐसा बताता है कि 50% माइग्रेन के अटैक जो है, 50% लोगों को माइग्रेन के अटैक वाले 50% लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग हम देते तो फायदा होता है। यदि आप बाथरूम यूज ज्यादा करते हैं तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है, और बाथरूम यूज मेरा मतलब ऐसा है कि बार 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 पेशाब को जाना या बार 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 शौच को जाना, लैट्रिन को जाना, मतलब हो सकता है कि जब एंग्जाइटी हो जाती है तो पेट, मतलब अन्न नलिका जो है, पाचन संस्था, तो उसमें ऐसे स्पाजम्स आते हैं, आकुंचन, वो जो मांसपेशी है वो आकुंचन पाती है और आकुंचन पाने के बाद में उधर ज्यादा लैट्रिन को लग सकती है। देखो तो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि टेंशन आ गया कि वो भागते हैं लैट्रिन को, या टेंशन आ गया तो वो पेशाब करने के लिए भागते हैं। तो जब जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है और यदि आप लैट्रिन को आपको जाना पड़ता है, समझ जाना कि आपको बहुत स्ट्रेस है और बहुत एंग्जाइटी है। वैसे यूरिन का भी है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि यूरिनरी ट्रैक, मतलब मूत्र मार्ग जो है, तो मूत्र मार्ग में स्पाजम आते हैं, आकुंचन पाती है मांसपेशियां वहां की जो है वो, और वहां से फिर पेशाब ज्यादा लगती है। तो पेशाब का, मतलब बाथरूम का ज्यादा यूज, पेशाब बार बार लगना या शौच को, लैट्रिन को ज्यादा लगना, वो हो सकता है एंग्जाइटी में। कुछ लोगों को क्या होता है कि ज्यादा, इतना ज्यादा स्पाजम आता है, इतना ज्यादा स्पाजम आता है कि लैट्रिन होती नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एंग्जाइटी की वजह से। मतलब दोनों भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा लैट्रिन लगना या लैट्रिन को लगना ही नहीं, इतना स्पाजम आ गया कि लैट्रिन ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और वो एंग्जाइटी का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है मांसपेशियों में टेंशन, मांसपेशियों में दर्द, मतलब बॉडी एक्स एंड पेन्स। क्या होता है कि टेंशन की वजह से काफी स्टिफनेस बॉडी में आती है, मांसपेशियों में काफी स्टिफनेस आती है, और मांसपेशियों में स्टिफनेस आने के बाद में फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है, शाम को वह थकान आ जाती है, और शाम को बॉडी में दर्द, सर में दर्द, सीने में दर्द, हाथ पैर में दर्द, ऐसा हो जाता है। अब इसके लिए एक तो योगा करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, और फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग भी बहुत अच्छे काम में आते हैं। तो मस्कुलर टेंशन यदि बार बार आता है और वो कुछ कारण उसका मिलता नहीं है तो डेफिनेटली समझ जाना कि वो एंग्जाइटी की वजह से है। चौथा लक्षण हो सकता है कि कोई परफेक्शनिज्म करता है, तो परफेक्शनिज्म इसका मतलब कि कोई भी चीज इतनी परफेक्ट करना, इतनी तंतोतंत करना, इतनी योग्य करना कि उसमें कुछ किसी ने गलती नहीं निकालना चाहिए। तो ये जब ऐसा होता है कि ये एंग्जाइटी का लक्षण है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है कि नहीं मुझे परफेक्ट करना है, परफेक्ट के चक्कर में, क्योंकि उसको हरदम टेंशन लगता है कि नहीं मुझे कोई गलती निकालेगा और कोई कुछ बोलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और उसको फेलियर का हरदम डर लगे रहता है, और कोई कुछ बोलेगा और फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए वो परफेक्शन का शिकार हो जाता है। तो कोई व्यक्ति बार 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 बहुत परफेक्ट चीज, मतलब एकदम अचूक करना, कोई गलती नहीं निकलना चाहिए, ऐसी चीज करने में लगे रहना, और देखो परफेक्ट तो कोई चीज है नहीं दुनिया में, कितना भी कुछ भी किया तो भी परफेक्ट होने वाला है नहीं, मगर ये व्यक्ति जो है एंग्जाइटी वाला, वो परफेक्ट के चक्कर में काम करता ही नहीं है, या फिर उसको हमेशा डर लगे रहता है और वो परफेक्ट 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 के इसमें बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और आखिर फेल हो जाता है, या फिर जो भी है वो परफेक्शन करते रहता है और टेंशन लेते रहता है खुद। तो परफेक्शनिज्म हरदम अवॉइड करना चाहिए, जस्ट रिलैक्स, परफेक्ट चीज कोई भी दुनिया में नहीं है। पांचवा जो है वो है ट्रस्ट इशू, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना।
होता क्या है कि जिनको एंग्जाइटी है वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो हरदम ऐसे डरे हुए इंसान रहते हैं, उनको लगता है कि मैंने ही चीज करनी चाहिए बराबर, मैं किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, वो चीज बिगाड़ देगा, वो इतना दिमाग लगा के करेगा नहीं, वो केयरलेसनेस हो जाएगा और वो कुछ तो भी बिगाड़ देगा और वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उनका ट्रस्ट इश्यू रहता है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, खुद चीजें करने लगेंगे और फिर उसमें थक जाएंगे, टेंशन लेंगे, उनको ये रहता है कि नहीं मैं किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं सकता, जो भी करूंगा मैं करूंगा, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता और अच्छा कोई नहीं कर सकता, इनके दिमाग में लगे रहता है और उनका ट्रस्ट इश्यू बहुत जबरदस्त रहता है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। छठवां है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग मतलब नखून खाना। क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए लोग नखून खाते रहे, नखून चबाते रहते हैं और वो इतने मतलब कुछ हुआ कि इतने नखून खाएंगे कि मतलब इसके जो कोने इतने अंदर घुसे रहेंगे, दोनों तरफ के कोने बहुत अंदर घुसे रहेंगे और बार 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 नखून खाएंगे। अब इनके मतलब ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी उनकी रिलीव हो जाती है नखून खाने से या नखून चुभाने से। कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी बाल उपटना या फिर दांत खाना या फिर पैर जमीन के ऊपर ऐसा मतलब टक 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 करना या कुछ लोगों को पैर हिलाना, पैर हिलाने की आदत रहती है, ऐसे कंटिन्यूसली पैर हिलाते रहते हैं या फिर कुछ लोग इधर से घूमते रहते हैं। तो ये आदत यदि है तो समझ जाना कि भाई ये एंग्जाइटी का लक्षण है। सातवां, कुछ लोगों को कुछ टिक्स पर्टिकुलर रहती है और टिक्स कौन सी रहती है, ऐसे वो आंखें जो है ना ऐसे स्पाजम में लाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे स्पाजम करेंगे, वो टिक्स है वो, या फिर ये ऐसा 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 करेंगे या फिर ये ऐसा ऐसा बोलने के समय ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा करके बात करेंगे, ऐसे ऐसे टिक्स है ये। तो ये जो टिक्स है या कुछ बोलने के समय अटकेंगे, तो ये जो है ये सभी लक्षण जो है, तो ये टिक्स या स्पाजम्स जो है वो एंग्जाइटी के लक्षण है। तो ये सात तो मैंने साइंस बताया, ये सात में से आपको कोई भी एक हो या कोई भी दो होंगे तो डेफिनेटली आप मेडिकल हेल्प या साइकोलॉजिकल हेल्प आप ले सकते हैं। हमारा ऐप है कि जिसके ऊपर आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। ये जो मैंने आपको लक्षण बताया इतने कॉमन है, इतने लोगों को कॉमन है, 10-15% लोगों को ये सिम्टम दिखाई देंगे और ये इम्पेंडिंग एंग्जाइटी के लक्षण है, स्ट्रेस के लक्षण है। उनको यदि टाइम पे उसका इलाज करते, रिलैक्सेशन करते, कोई माइल्ड दवाई लेते हैं तो आगे आने वाली बड़ी बीमारी हम टाल सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी पार्टनरशिप हमें मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।